सभी को जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। जैसा कि वादा किया गया था कि सिलेक्टेड हैं तो आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएंगे, तो उसी सीरीज में सिलेक्शन सीरीज में पॉलिटी की क्लास नंबर 14 क्लास फॉर पॉलिटी क्लास नंबर 14 लेकर के आए। इससे पहले 13 क्लासेस हो चुकी हैं, तो जो आपने नहीं की उसको ज़रूर कर लीजिए। तो आपकी सारी प्ले लिस्ट बनी है। अगर जो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट को ज़रूर विजिट करें। आपकी तैयारी वहाँ पर पूरी करवाई गई है, जो तैयारी रह गई है वो भी कंप्लीट करवाई जा रही है। तो आप लोग उस क्लास को, उन सभी क्लासेस को ज़रूर देख लें। तो चलते हैं बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये क्लास 1885 से लेकर और 1947 तक जितने आंदोलन हुए हैं सभी इस क्लास में कवर किए जाएंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा और अच्छे से करिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। उसके बाद बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, मतलब ये कब चलाया गया? ये 1905 में चलाया गया, 1905 में। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? कांग्रेस का बंटवारा 1907 ईस्वी में हुआ था। होम रूल आंदोलन कब हुआ? होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। आप लोग इसको याद कर लीजिए, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास आप लोग की होने वाली। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई? तो 20 अगस्त 1917 को इसकी घोषणा हुई, और 20 अगस्त 1917। बाकी ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, रॉलेट एक्ट, पिछली बार रॉलेट एक्ट पूछा गया था। तो रॉलेट एक्ट और साइमन कमीशन और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये तीन आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसकी डेट और सन जरूर याद कर लीजिए, डेट भी पूछ लेता है, जैसे 19 मार्च है तो डेट भी पूछ लेता है। उसके बाद चलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिए, 13 अप्रैल 1919। ये आप लोगों की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, आप लोग इसको हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सेम आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये आपके टेस्ट में, ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में पूछा गया था। आप लोग क्लास को अच्छे से नहीं करते हैं, बाद में कहते हैं कि हम लोगों के नंबर कम आए, नंबर बताइए, ये करिए वो करिए। तो आप लोग क्लास को अच्छे से पढ़िए। हम लोगों ने जो क्वेश्चन दिया था वो सभी जो क्लासेस करवाई गई उन्हीं क्लासेस से दिया था, ये नहीं कि अलग से लाए थे। लेकिन आप लोग क्लास अच्छे से करते नहीं, खाली देख लिए, नोटिफिकेशन आया, बस हटा दिए। तो ऐसा करोगे तो पछताओगे, क्योंकि कम से कम 10-12 हज़ार फॉर्म पर फिल हुआ है और आप लोग तैयारी पता नहीं कैसे कर रहे हैं। आप लोग के जो टेस्ट हुआ था उसमें ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आए हैं, फिर एक बार बता दें, ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आए। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और मेहनत अच्छी करिए और ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं मिलेगी जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो खिलाफत आंदोलन 1919, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। हंटर कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट 18 मई 1920 को प्रकाशित हुई। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1 अगस्त 1920। चौरी चौरा, ये भी पूछ सकता है इस बार, तो 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में हुई थी। भले आप लोगों की क्लास लंबी हो जाए, लेकिन आप लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। साइमन कमीशन भारत आगमन, ये आप लोगों का 3 फरवरी 1928 को आया था, साइमन कमीशन भारत।
नेहरू रिपोर्ट, नेहरू जी ने रिपोर्ट बनाई थी तो 1928 में बारदौली सत्याग्रह, ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्टूबर 1928 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था, तो 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। इसी में हमको लगता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को इसी केस में फांसी हुई थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, आप लोग देख लीजिएगा। स्वाधीनता दिवस किस की घोषणा, स्वाधीनता दिवस है मनाया जाता है, उसकी घोषणा कब हुई तो आप लोग देख लीजिए, 2 जनवरी 1930 में हुई। एक मिनट। उसके बाद नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था, 1930 तक चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। आप लोग डेट जरूर लिख लीजिए, याद कर लीजिए, जिस दिन आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देने आएंगे उस दिन एक बार आराम से लिख के लेकर के आना, और यहाँ एक बार रिवीजन कर लेना, एग्ज़ाम से कुछ समय पहले पहुँच जाना, ताकि आप लोगों के एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 7 सितंबर 1931 को। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट कब हुआ, तो 16 अगस्त 1932 को हुआ। पूना पैक्ट सितंबर 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर। आप लोग याद कर लीजिए। एक मिनट। पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान ने कब मांग की थी, 24 मार्च 1940। पाकिस्तान ने मांग की थी 24 मार्च 1940। अगस्त 8 अगस्त 1940 में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 8 मार्च 1942। मार्च 1942। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 को हुआ था। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को। उसके बाद आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता कब मिली, तो स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली। और क्या कहते हैं आप लोगों का, 26 जनवरी 1950 को आप लोगों का गणतंत्र बना था, मतलब गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 से मनाया जा रहा है, यानी अपना जो कानून लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो यही आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली थी आप लोगों के लिए। तो आप लोग क्लास को पूरा एक दो बार तीन बार जितनी बार करना चाहें कर लीजिए, स्पीड में लगा के कर लीजिए, ताकि आपके आंदोलन कवर हो जाएँ, क्योंकि आप लोगों की तैयारी के लिए
हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत करिए और क्लास को 2-3 बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्लास वेरी 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 इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोग जब एग्ज़ाम देकर के आएंगे या देकर के आना तो इस क्लास को उठा के देख लेना कि इस क्लास से कितने क्वेश्चन आप लोग के पूछने के लिए मिले हैं। तो आप लोग बाद में कमेंट करके बताना सर आपकी क्लास से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा, तो आप लोग ऐसा ना घबराएं कि हिंदी में पढ़ाया जा रहा तो इंग्लिश में, आप लोग दोनों लैंग्वेज देख कर सकते हैं और किसी भी लैंग्वेज में आंसर दे सकते हैं। लेकिन आप लोग जब पेपर देना तो एक ही लैंग्वेज सेलेक्ट करना, जो हिंदी में दे रहे हैं आप लोग तो हिंदी में ही देना, और जो इंग्लिश में दे रहे हैं आप लोग तो इंग्लिश में देना, नहीं तो आप एक क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में एक क्वेश्चन का आंसर हिंदी में करेंगे तो एग्जामिनर कन्फ्यूज़ हो जाएगा, तो आप लोग के नंबर कट सकते हैं। आप लोग OMR सीट को अच्छे से भरिएगा, क्योंकि बहुत लोग जल्दीबाजी में गलती कर बैठते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को बताया जाएगा लाइव क्लास में आकर के कि कैसे OMR भरना है, कैसे क्या करना है, और आप लोग एडमिट कार्ड कब आएंगे। अभी जल्द आप लोगों के लिए लाइव सेशन होने वाला है, तो आप लोग लाइव सेशन से ज़रूर जुड़िएगा। तो फिर आप लोग एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें क्लास कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनकी भी आप लोगों के जो द्वारा हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।